टीन है बड़ा बड़ा, और भी ये देखो इस साइड में और भी निकल रहा है, ये जो है ना बहुत बड़ा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी जाने वाला हूँ पहले गाय बैल बांधने के लिए, उसके बाद में जाऊँगा आली काटने के लिए। तो मैंने ट्राइपॉड ले लिया है, साथ में ये दाव भी ले लिया है। तो अंकल के घर में जाके देखूँगा वो कल रेती लाया है कि नहीं, तो मैंने पूछा नहीं ये। और खाना सब्जी बन रहा है घर पे, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वहाँ अर्जिता और मेरी वाइफ, और यहाँ चिकन बना रही है सिंची की सिस्टर रानी। ये बहुत तो अभी मैं चलता हूँ गाय बैल बांध के, थोड़ा सा काम करके आ जाऊंगा। अभी 7 बजे हो गया है, आज जो है ना रात भर बारिश भी गिरी है, तो सुबह होते ही बारिश खत्म हो गया है। अच्छा हुआ, दिन में जो है ना अच्छा होना चाहिए काम करने के लिए, रात में गिरने से भी। लेकिन धान की खेत में पानी नहीं है, रात भर बारिश गिरी है लेकिन ज़्यादा नहीं गिरी है, थोड़ा थोड़ा गिरी है। रात में जो है ना गाय बैल को यहीं पे रख दिया था, तो सोचा नहीं था बारिश गिरेगी, लेकिन कितना 8 बजे या 9 बजे को अचानक से बारिश आ गई, तो ऐसे ही रख दिया गाय बैल को। वहाँ पर बांधते थे तो वहाँ पर लेके नहीं गया, तो वहाँ पे जो है ना घर में भी बांध सकते थे, वहाँ पे थोड़ा जगह हाल मारा नहीं है, हाल जोता नहीं है खराब होने की वजह से। तो वहाँ से नीचे से आली काट के आने के बाद वहाँ ज़्यादा घास है ना, वो सब घास खाद के यहाँ का भी हाल मार दूंगा, हाल जोत दूंगा। तो पहले चलता हूँ मैं गाय बैल बांधने के लिए। गाय बैल को छोड़ के आ गया है आली काटने के लिए, तो ये थोड़ा सा बाकी है, उस दिन रह गया था ये, एक तो काट लिया है, वहाँ पे छोड़ दिया है गाय बैल को, बांधा नहीं ये, खाने के लिए थोड़ा छोड़ दिया है। तो वहाँ पे जाने के बाद बांधूंगा। अभी जो है ना नदी पार करके जा नहीं सकता है, क्योंकि नदी का पानी भरा है रात भर बारिश गिरने की वजह से, और मैं सोचा था शायद खेत में पानी नहीं होगा, लेकिन पानी आ गया है धान के खेत में। मिट्टी जो है ना बहुत तान है, ये सब मिट्टी, यहाँ का मिट्टी जो है ना इतना नरम नहीं होता है, ये ऊपर साइड का, नीचे का तो नरम होता है। तो चौथा वाला जो ट्रैक्टर है ना, उससे हाल मारना पड़ेगा तब अच्छा होगा, और एक बार हाल मार के धान लगाऊंगा। तो जल्दी से मैं काट लेता हूँ, थोड़ा ये काट के फिर जाना पड़ेगा मुझे गाय बैल बांधने के लिए, वहाँ पे बांध के आ जाऊँगा। ये थोड़ा सा बाकी है, ये इतना अच्छा से खाता नहीं ये मैं, क्योंकि दोबारा काटना पड़ेगा धान लगाते टाइम। अंकल जो है ना रेती लाया नहीं है, शायद वो भूल गया है, तो उन लोगों का पुराना रेती था, उनसे मैं धार करके आ गया दाव को। इतना अच्छा से नहीं काटूंगा। थोड़ा सा आली काट के मैं चला गया था गाय बैल बांधने के लिए, लेकिन नहीं बांधा है, वैसा ही छोड़ के आ गया है। तो घूम के खा रहे है उनके लिए छोड़ के आ गया है, बाद में जाके बांधूंगा 1-2 बजे। मेरी वाइफ और उनकी सिस्टर, साथ में अर्जिता
वो लोग भी आई हुई है स्नेल उठाने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा आली काटूंगा और साथ में वहाँ पे आंटी भी स्नेल उठा रही है। हो हो बाओ बाओ अर्जिता को जो है ना खाने की मन है। अर्जित मैंने कहा दिखाओ कितना मिला है। उन लोग उन लोगों का भी हो जाएगा खाने के लिए। बहुत ज्यादा खाते हैं वो बोल रहे हैं। अर्जिता पानी खेलने के लिए बहुत उसको मन पानी खेलने के लिए मन हो रही है। देखे नानी ये बाबा हाय हाय रानी हाय 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 रानी आओ चाचा आहा हाय 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 अल्ले अल्ले हाय हाय रानी हाय आहा बोर्ड खेल रही है ओए देखो हाय हाय जाम भी कर रहे हैं जाम बका हम जा पानी ठंडा है चल चल मंगो चल बीमार होगी चलो 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 गाच भी नहीं रखने हो जाएगा हो जाएगा। ए वही वही देखो ना घर पे चलो घर पे घर पे पानी जो है ना बहुत ठंडा है बाद में बुखार हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रिदर बनो चा चीज को का होंगार ना जोग मैं ना जोग अभी मैं एक दो आली काट लेता हूँ तो एक दो आली काट के खाना खाने के लिए जाऊंगा। खाना खा लिया है दोस्तों खाना खा के अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। अभी 1 बजे हो गया है तो और आधा घंटा रेस्ट करके चला जाऊंगा फिर से आली काटने के लिए खत्म ही हुआ है। अर्जिता सो गई है वहाँ पर दोनों बहनें बैठी हुई है और साथ में अर्जिता के सामने स्नो भी वो भी सो गई है। आज जो है ना काम करने के लिए अच्छा है धूप नहीं है इतना गर्मी नहीं है तो ऐसा टाइम में जो है ना काम करने के लिए अच्छा होता है। तो वैसा तैसा करके आज जो है ना वहाँ का ख़त्म करूँगा उसके बाद में कल से यहाँ का काटना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ में बहुत ज़्यादा घास है तो यहाँ का थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए अच्छा से जो दाव है ना उसको दार करके काटना पड़ेगा। लेकिन रेती लाया नहीं है तो पुराना अंकल के पास पुराना रेती है उनसे दार करके यूज़ करूँगा। आ गया है दोस्तों फिर से आली काटने के लिए तो सुबह में मैंने वहाँ पे 2 या 3 लाइन काटा है और यहाँ पे बाद में मैं वहाँ से जाके ये 2 लाइन काटा है। अभी ये 1 लाइन और वहाँ पे 1 लाइन और इस तरफ में कितना है 1 ये छोटा वाला छोरो 2 3 4 5 अभी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 लाइन है तो 7 लाइन है। ये मैं ख़त्म करने के लिए कोशिश करूँगा तो अभी तो वीडियो नहीं बनाऊँगा ख़त्म होने के बाद वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मैं ट्राईपॉड लाया नहीं हूँ। तो अभी लगभग ये सेंटर में 2 काटा हुआ है आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा सेंटर में ज़्यादा जंगल है तो यहाँ पे 2 और ये काटा हुआ है और यहाँ पे 5 ये मैं जल्दी से काट लेता हूँ ख़त्म होने का बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। काम करने के लिए अच्छा है आज भी लोग दान लगा रहे हैं वहाँ पर नदी के पार पे तो जल्दी से काट लेता हूँ। दोस्तों ख़त्म हो गया है अभी 4:30 हो रहा है मैं खाना खाने के बाद 1:30 को आ गया था आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 और वहाँ पे 1 लाइन छोटा वाला है
और यहाँ पे भी ऐसा चौथा चौथा है, लेकिन मैं जो लंबा है ना वो गिनती कर रहा हूँ। और वहाँ पे दो, वो वाला एक और वहाँ पे एक, ये दो तो खाना खाने से पहले मैंने काट लिया था। खाना खाने का बाद आके सात लाइन काटा है, सात आली। अभी 4:30 हो रहा है, देखने में जो है ना बहुत कम लगता है लेकिन करने में टाइम लग जाता है। और ये भी इतना दार नहीं था, दाव भी। तो अभी चलता हूँ घर में, यहाँ का ख़त्म हो गया है, कल से जो है ना घर का नीचे का काटूँगा। ये ऊपर का साइड में भी मिट्टी अच्छा है, नरम है, सिर्फ ये थोड़ा सा सेंटर में मिट्टी इतना अच्छा नहीं है, मिट्टी तान है। मेरा स्लीपर यहाँ पे, ये तो शायद अभी चलता हूँ गाय बैल बांधने के लिए। आज जो है ना दिन भर छोड़ के रख दिया है, तो अभी वहाँ पे आ रहा है, इस साइड में बांध के रख दूँगा, फिर कल सुबह छोड़ दूँगा खाने के लिए। घर पे आ गया है दोस्तों, अभी जा रहा हूँ मशरूम तोड़ने के लिए। मेरी वाइफ ने देखी है मशरूम वहाँ पे हमारे मिर्ची की खेत की ऊपर पे, उसने बोली ऊपर से देखी है बोल के, यहाँ से देखी है, और अब देखिए ऐसे। अभी चलता हूँ ऊपर में, यहाँ से देख लिया थोड़ा सा मैंने, यहाँ का खाना खा के ऐसा देखा। आप आएगी? हाँ थोड़ा सा देख लिया। ये भी जंगल जंगल हो गया है, पूरा जंगल है। बीन्स देखो, लॉन्ग बीन्स यहाँ पे भी निकल रही है। अच्छा जी, वाओ, आहा, तीन है बड़ा बड़ा, और भी ये देखो इस साइड में और भी बच्चा निकल रहा है। बच्चा नहीं, ये अभी निकालूंगा। पहले आप लोगों को थोड़ा सा मिर्ची दिखा देता हूँ। यहाँ में भी 3-4 दिन हुआ है, नहीं आया है, ये देख सकते हैं। ये खाने वाला है, रुको थोड़ा, ऊपर में शायद नहीं, ये मिर्ची भी खाने के लिए हुआ नहीं, ये सब तो अभी थोड़ूंगा ये मशरूम। अभी जो है ना मशरूम का सीजन हो गया है, जून महीने में निकलता है मशरूम। हमारे जो घर के पीछे में जो है ना बहुत मिलता है, या नहीं, ये जून जुलाई अगस्त तीन महीना नहीं, 2 महीना शायद, 2 महीना या 3 महीना। कतराना ये सब अदरक, ये चलो मैं तोड़ लेता हूँ। हाँ अभी तोड़ूंगा, तोड़ लिया है दोस्तों हम लोगों ने। ये जो है ना बहुत बड़ा है, चलो पकड़। ये दो जो है ना बहुत छोटा छोटा, ये भी बड़ा है लेकिन अभी तो पूरा निकला नहीं है। हाँ। अभी शायद निकलेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। हाँ। तो निकाल लिया है हम लोगों ने। हाँ, चलो। वो गई थी मेरे लिए पानी लेके। हाँ। तो आ रही थी, आते समय उसने देख ली वहाँ से नीचे से रास्ता से,
तो उसने मुझे बुला लिया। चलो चलो जी, ये जंगल हो गया है। बहुत अच्छा है अभी खाने के लिए, ये टमाटर के साथ खाने के लिए। मशरूम को पकाने के लिए बना रही है। तो ये पका के खाएंगे आज रोटी के साथ, है ना। रोटी के साथ भी बहुत अच्छे है, हो जाएगा चारों के लिए। बाद में जो है ना ज़्यादा मिलेगा ये साइड में, घर के पीछे में। तो आप लोगों को रेसिपी तो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे भी वीडियो अपलोड करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।